नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सितारगंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 32वीं पुण्यतिथि सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास में मनाई गई। इस दौरान सौरभ बहुगुणा और उनके समर्थकों ने हेमवती नंदन बहुगुणा के चित्र पर पुष्प अर्जित करने के साथ 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दादाजी ने कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लंबा समय बिताया, लेकिन कांग्रेस के विचारों से विचार ना मिलने पर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ पुत्र ने सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने नाम की पहचान बनाई है। उधम सिंह नगर से संवाददाता चरण सिंह सरारी की ये रिपोर्ट। दादाजी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है सितारगंज में और पूरे प्रदेश में आज मनाई गई है। आज देहरादून में भी माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनके प्रतिमा पर जाके माल्य अर्पण किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको मालूम है हेमवती नंदन बहुगुणा जी एक उत्तराखंड के जैसे कहते हैं गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, और एक बहुत छोटे गाँव पौड़ी से भुगानी से वो आते हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की नहीं सिर्फ पूरे राज्य की पूरे विश्व की राजनीति में अपना नाम कमाया। स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, देश की आज़ादी में बहुत बहुत अहम भूमिका उन्होंने अपना इतिहार जेल में रहे, सालों जेल में रहे और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, एमपी रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, एक देश देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बन के रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन के रहे। तो हम सब उनके, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने दादाजी से सिर्फ इतना ही सीखा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो पब्लिक की, देश की सेवा करो। और कहीं ना कहीं जो जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, जैसे वो मजदूरों के मसीहा माने जाते थे, अल्पसंख्यकों के मसीहा माने जाते थे, टीचरों के जितने भी रिफॉर्म्स आए, वो जब वो सीएम बने यूपी के, तब उन्होंने टीचर रिफॉर्म शुरू किए। तो हमने उनसे बस इतना ही सीखा है कि हर उस व्यक्ति की मदद करो निस्वार्थ भाव से जो आपके दर पर आया है, और तभी आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब उनके पदचिन्हों पर चल सकें और जो उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था, जो देश का सपना उन्होंने देखा था, उसको साकार कर सकें। कांग्रेस में उनकी काफ़ी तर जितनी भी उनकी राजनीति रही वो कांग्रेस में रही, लेकिन उनके अंतिम दिनों में कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस से उनके मतभेद रहे, कांग्रेस की सोच के साथ उनके मतभेद रहे, कांग्रेस की योजनाओं के साथ उनके मतभेद रहे, जिसके वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने जो पूरे विश्व देश का सबसे प्रसिद्ध चुनाव हुआ वो पौड़ी का विधानसभा एमपी लोकसभा का चुनाव था, जिसमें दादाजी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद चुनाव लड़ा और एमपी का चुनाव लड़ा। और पूरे देश के नेता, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री रहीं उस वक्त इंदिरा गांधी जी से लेके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे, सब ने उनका विरोध किया, लेकिन वो फिर भी जीत के आए। और एक स्लोगन उस वक्त चला था कि पहाड़ झुक सकता है, पहाड़ टूट नहीं सकता, पहाड़ टूट सकता है सॉरी, पहाड़ झुक नहीं सकता। और ऐसे उन्होंने, उनकी सोच सिर्फ इतनी थी कि जो कांग्रेस की, जो उन्होंने जो जिस कांग्रेस के साथ वो जुड़े थे, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं भटक गई थी, उनकी सोच भटक गई थी। तो उनके आखिरी सालों में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके और उन्होंने खुद अपना काम करना, दूसरी पार्टी बनाई उन्होंने और उसमें उन्होंने अपनी जीवन बिताया।